हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 12 ग्रामीण विकास एवं रोजगार पर। देखिए, आप देख रहे होंगे बोर्ड पर ज़्यादा चीज़ें लिखी हुई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक शॉर्ट वीडियो है। एक्चुअली में ये जो आपके अध्याय 12 का मैंने फुल एक वीडियो रिकॉर्ड करके ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, लेकिन वीडियो के शुरू में ही मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसकी उम्मीद मुझे खुद से भी नहीं थी। वीडियो के शुरू में जो है, इसमें एक आपका जनगणना 2011 के आंकड़े, जिसमें छत्तीसगढ़ की आबादी 2.55 करोड़ है, और उसमें मैंने एक ग्रामीण आबादी के आंकड़े बताए, और उस ग्रामीण आबादी के आंकड़े में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसमें मैंने ग्रामीण आबादी के जगह मैंने शहरी आबादी बता दिया है, और ये क्वेश्चन ऐसे है जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो है आपके ग्रामीण आबादी कितनी प्रतिशत है, शहरी आबादी कितनी प्रतिशत है, व्यापम पीएससी बार बार उठाता है। और मेरे से ये गलती हुई मेरे खुद के ओवर कॉन्फिडेंस के कारण। होता क्या है कि जनगणना 2011 के आंकड़े हैं, काफ़ी समय से चले आ रहे हैं आंकड़े, काफ़ी समय से मैं भी पढ़ते आ रहा हूँ और बहुत सारे लोग पढ़ते आते हैं। तो होता क्या है, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बहुत समय से हम इन आंकड़ों को रिपीट करते आ रहे हैं, तो इनको रिवाइज करने का या इन्हें पलट के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ले डूबता है, और वही मेरे साथ इस लेक्चर में भी हुआ। एक्चुअली अभी क्या है, मेरा टाइम शेड्यूल काफ़ी बिजी चल रहा है। अभी एंड का जो आपका नवंबर और दिसंबर का महीना है, ये और भी ज़्यादा बिजी है, तो इसलिए मैं पूरा का पूरा वीडियो को फिर से रब करके, फिर से उसे लिख करके पूरा का पूरा एक नया वीडियो अपलोड तो नहीं कर सकता। इसीलिए करेक्शन के साथ शुरू में, ताकि ये गलती ना हो और आगे भी आप लोगों के लिए काम आए, एक करेक्शन के साथ एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो इस फुल वीडियो के सामने मैं अटैच करके आप लोगों को दे रहा हूँ, और जिस पोर्शन में मेरे से गलती हुई उस पोर्शन को मैं कट करके हटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और एग्ज़ाम में फंसाने के लिए अक्सर क्या करता है, ग्रामीण और शहरी आबादी का प्रतिशत दोनों डाल देता है। ठीक, तो ये गलती आप लोगों से ना हो, तो देखिए ध्यान समझिएगा। अध्याय 12 ग्रामीण विकास एवं रोजगार, इसके बाद जो है एक फुल वीडियो इसी वीडियो के एंड में अटैच है, उसको भी पूरा देखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है वो है आपकी 2.55 करोड़। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या है 2.55 करोड़, यानी कि 2,55,00,000, ये छत्तीसगढ़ की कुल आबादी है। ठीक, देखिए इस 2,55,00,000 में से ग्रामीण आबादी और शहरी आबादी कितनी है, ग्रामीण और शहरी आबादी कितनी है। देखिए, छत्तीसगढ़ की ग्रामीण आबादी है आपकी 1.96 करोड़, यानी कि 1.96 करोड़ आबादी जो है ये ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, जो कि छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का 76.76% है। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का, यानी कि आपके आधे से ज्यादा आबादी, आधा तो आपका 50% होता, लेकिन यहां कितना है, 76% है, 76.76%। तो छत्तीसगढ़ की जो सर्वाधिक आबादी जो है ये आपके ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, और यही आंकड़े मेरे से गलत हुए थे, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिए। जबकि शहरी क्षेत्र में 59.36 लाख, ठीक है, 59.36 लाख आबादी जो है ये आपके शहरी क्षेत्र में निवास करती है, जो कि छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का आपका 23.24% है। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 23.24% है, और इस दोनों परसेंट को, परसेंटेज को अच्छे से याद कीजिएगा, व्यापम और पीएससी इससे प्रश्न उठाता है। ठीक है, गलती मत कीजिएगा, इसको एकदम अच्छे से दोनों परसेंटेज को याद रखिएगा, और दोनों को भी याद रखने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक को आप याद कीजिए। जैसे कि ग्रामीण आबादी है आपके 76.76, 100 से जो है 100% से आप इस 76.76 को माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 23.24%। ठीक है, जो कि आपके शहरी क्षेत्र की आबादी है, यानी कि अगर इतने लोग गांव में निवास करते हैं तो बचे हुए लोग कहां निवास करेंगे, शहर में। ठीक है, तो ये दोनों आंकड़ों को अच्छे से याद कीजिएगा। छत्तीसगढ़ की जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या है आपके 2.55 करोड़, जिसमें से 1.96 करोड़ आबादी जो है ये गांव में निवास करती है, जो कि छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 76.76% है, जबकि 59.36 लाख जो आपकी आबादी है ये शहरों में निवास करती है, जो कि छत्तीसगढ़ की कुल आबादी का 23.24% है। ठीक है, तो इसमें आप लोग गलती मत कीजिएगा, और हाँ, आप भी खुद अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस मत होइए, ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ले डूबता है। ठीक, अब इसके आगे का वीडियो कंटिन्यू रहेगा, चलिए।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका अनुसूचित क्षेत्र। अनुसूचित क्षेत्र देखिए, हमारे प्रदेश के जो आपके कुछ जिले जो है, जो आदिवासी बहुल जो क्षेत्र है, ये आपके संविधान की पांचवी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हम ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज में नहीं जाएंगे, एकदम आसान शब्दों में बताता हूं। आदिवासी बहुल क्षेत्र, आदिवासी बहुल क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जो कि समाज की मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं, तो इन क्षेत्रों का प्रशासन जो है राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करता है, ये बताया गया है आपके अनुसूची पांच में। हमारा छत्तीसगढ़ जो है ये भी आपका एक आदिवासी बहुल राज्य है। तो हमारे प्रदेश के कुछ आपके जिले जो है, जहां पर आपके आदिवासी बहुल जिले जो है, उन्हें जो है आपके अनुसूची पांच के अंतर्गत रखा गया है। अनुसूची पांच जिनमें आपके आदिवासी बहुल यानी कि पिछड़े हुए क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करता है। इनडायरेक्टली कहा जाए तो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि कौन होते हैं? राज्यपाल। तो भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से इन अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन करता है। ठीक, देखिए अनुसूची पांच के अंतर्गत हमारे प्रदेश के 13 जिले पूर्ण रूप से, जबकि 6 जिले आंशिक रूप से जो है आपके अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इस अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत यानी कि अनुसूची पांच के अंतर्गत हमारे प्रदेश के 13 जिले पूर्ण रूप से यानी कि पूरा का पूरा जिला जो है वो आपके इस अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, जबकि 6 जिले आंशिक रूप से। आंशिक रूप से मतलब उस जिले का कुछ हिस्सा, कुछ शहर, कुछ आपका गांव जो है इस अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, यानी कि आंशिक रूप से आता है, पूरा का पूरा जिला नहीं, उस जिले का कुछ हिस्सा। ठीक, तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न पूछा जाएगा कि आपके अनुसूची पांच के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र में कितने जिले पूर्ण रूप से शामिल है, पूछा जाएगा, तो 13 जिले। ठीक, इसमें अभी एक अपडेशन है, वो अपडेशन कराऊंगा, उसको थोड़ा ध्यान समझिएगा। ठीक, और 6 जिले जो है वो आंशिक रूप से आपका सम्मिलित है, अभी केवल इतना समझिए, इसमें अभी एक अपडेशन आपको करना है। देखिए तो जो आपके 13 जिले है, वो 13 जिले कौन कौन से है? हर जिले को आपको एक एक जिले को रट्टा नहीं मारना है, शॉर्टकट बता रहा हूं, उसको समझते हुए चलिए। बस्तर संभाग, बस्तर संभाग में वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? 7 जिले। तो बस्तर संभाग के 7 जिले, सरगुजा संभाग के 5 जिले और एक कोरबा जिला, 7, 5, 12 + 1, 13, ये 13 जिले जो है ये पूर्ण रूप से आपके अनुसूची पांच के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। सरगुजा संभाग के आपके 7 जिले कौन कौन से है? एक है आपका जो कांकेर हो गया, बस्तर हो गया, दंतेवाड़ा हो गया, सुकमा हो गया, नारायणपुर हो गया, बीजापुर हो गया, ये सभी के सभी जो आपके 7 जिले है, जो आपके बस्तर संभाग के 7 जिले, ये पूर्ण रूप से आपके अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा सरगुजा संभाग के 5 जिले कौन कौन सा है? कोरिया हो गया, सूरजपुर हो गया, बलरामपुर हो गया, सरगुजा हो गया, जशपुर हो गया, ये 5 जिले जो है ये पूर्ण रूप से आपके अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे, यानी कि अनुसूची 5 के अंतर्गत। और एक है आपका बिलासपुर संभाग का कोरबा। ठीक है, बिलासपुर संभाग का कोरबा जिला जो है ये पूर्ण रूप से आपके अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। हर एक जिले को याद करने से बेटर है कि आप पूरे संभाग के हिसाब से याद रखिए, पूरा का पूरा बस्तर संभाग और पूरा का पूरा आपका सरगुजा संभाग, यानी कि उत्तर छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़, उत्तर छत्तीसगढ़ यानी कि पूरा का पूरा सरगुजा संभाग, दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी कि पूरा का पूरा आपका बस्तर संभाग। तो बस्तर संभाग के 7 जिले और आपके सरगुजा संभाग के 5 जिले, 7 और 5 कितना हो गया? 12। एक है आपका कोरबा जिला, वो हो गया 13। ठीक, और आंशिक रूप से 6 जिले शामिल है, कौन कौन से है? एक है आपका बिलासपुर, दूसरा है रायगढ़, तीसरा है आपका दुर्ग, चौथा है राजनांदगांव, पांचवा है रायपुर और छठवां है धमतरी। तो ये जो 6 जिले हैं ये आंशिक रूप से इस आपके अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब जो अपडेशन बता रहा हूं उसको ध्यान दीजिएगा, करंट का टॉपिक है और इंपॉर्टेंट भी है। देखिए बिलासपुर जिले से इस साल जो है आपके बिलासपुर जिले से अलग होकर के एक नया जिला बना छत्तीसगढ़ का, 28वां जिला, जिसका नाम है आपका गोरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, गोरेला पेंड्रा मरवाही जो कि छत्तीसगढ़ का नवीनतम आपका 28वां जिला बना है। ठीक है, 28वां जिला। मैंने क्या बताया कि जो 6 जिले हैं ये आंशिक रूप से शामिल है, आंशिक रूप से शामिल है मतलब इस जिले का कुछ हिस्सा अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो बिलासपुर जिले का ये जो गोरेला पिंडरा मरवाही वाला जो क्षेत्र था ये आंशिक रूप से इस अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल था। चूंकि अब ये गोरेला पेंड्रा मरवाही वाला हिस्सा बिलासपुर से कट करके अलग हो गया है, इसका मतलब ये जो आपका अनुसूचित क्षेत्र जो कुछ भाग था ये अब पूर्ण जिला बन चुका है, यानी कि अब जो है गोरेला पेंड्रा मरवाही ये जिला पूर्ण रूप से आपके अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल हो गया है। इसका मतलब अब इसमें जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 14 जिला। ठीक है, 14 जिला जो है ये आपके पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। और आंशिक रूप से चूंकि अब जो है बिलासपुर का जो आंशिक हिस्सा कौन था? गोरेला पेंड्रा मरवाही था, जो कि अब पूर्ण रूप से शामिल हो गया है, तो अब ये यहां से जो है आपका बिलासपुर हट जाएगा, यानी कि इसकी संख्या बच जाएगी अब 5।
ठीक है, पांच जिला जो है ये आपके आंशिक रूप से आपके अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। कौन कौन से है? रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर और आपका धमतरी, केवल ये पांच जिले। इंपॉर्टेंट अपडेशन है, इसको अपडेट कीजिएगा। किसी भी आपके इकोनॉमिक सर्वे का जिन्होंने पीडीएफ भी परचेस किया है उसमें भी ये अपडेशन नहीं है, क्योंकि ये हाल फिलहाल का करंट अफेयर का आपका जो है टॉपिक था। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट समझिएगा। नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, यानी कि मनरेगा। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, जिसे शॉर्टकट में हम कहते हैं आपका मनरेगा। ठीक, देखिए ये मनरेगा है क्या, इसे समझिएगा। मनरेगा जिसके अंतर्गत इच्छुक श्रमिकों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ किया गया। इसके लिए जो है संसद में एक अधिनियम लाया गया था और यह अधिनियम आपका पारित होकर के पूर्ण रूप से पास हुआ आपके वर्ष 2005 में यह अधिनियम आपका पारित हुआ, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह लागू हुआ 2 फरवरी 2006 को। यह डेट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। कई बार यह क्वेश्चन रिपीट होता है कि मनरेगा जो है यह अखिल भारतीय स्तर पर कब लागू हुआ, तो आपके 2 फरवरी 2006 को। पारित कब हुआ पूछा जाए तो वो हुआ आपके 2005 को। मनरेगा एक्ट 2015 कहा जाता है इसे। ठीक है, मनरेगा 2005, मनरेगा अधिनियम 2005 कहा जाता है। अधिनियम पारित हुआ 2005 में, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह लागू हुआ 2 फरवरी 2006 को। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? इच्छुक श्रमिकों को, यानी कि जो कार्य करने के लिए जो इच्छुक है, उन श्रमिकों को एक वित्तीय वर्ष में, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना। देखिए इसमें क्या है, ये क्या है, देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण, यहां पे आपके ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्र के वयस्क, यहां पे वर्ड और लाइन पे ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है। पहला चीज तो ग्रामीण क्षेत्र यानी कि गांव में निवास करने वाले, वयस्क यानी कि जो एडल्ट है, अकुशल श्रमिक। अकुशल श्रमिक का मतलब क्या होता है? जो आपके वेल ट्रेंड नहीं रहते। जो देखिए इसमें जो है ऐसा नहीं है कि एक होता है कुशल श्रमिक, एक होता है अर्ध कुशल श्रमिक और एक होता है अकुशल श्रमिक। अकुशल श्रमिक का मतलब जिसे कोई भी मतलब कार्य करने का कोई नॉलेज नहीं होता, उसने कोई वो कार्य करने की ट्रेनिंग नहीं ली है। जैसे कि अगर बड़े बड़े, अगर हम टेक्नोलॉजी बड़े बड़े मशीनों की बात करें तो उन मशीनों को ऑपरेट करने के लिए जो है कुशलता चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग लेनी जरूरी है। लेकिन यहां वर्ड क्या यूज हो रहा है? अकुशल श्रमिक आया वो प्रश्न है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वयस्क अकुशल श्रमिकों को इसके अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो आपको इतना सारी चीजें याद रखनी है, इसके अलावा और क्या प्रश्न बनता है देखिए। 2 फरवरी 2006 को जो है जब यह अखिल भारतीय स्तर पर लागू हुआ तब हमारे छत्तीसगढ़ के 11 जिले इसके अंतर्गत शामिल थे। ठीक है, एक्स्ट्रा ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। 2 फरवरी 2006 को जब यह अखिल भारतीय स्तर पर लागू हुआ तो हमारे छत्तीसगढ़ के 11 जिलों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। उसके बाद 1 अप्रैल 2007 को इसका विस्तार किया गया भारत के कुछ और क्षेत्रों में, तब हमारे छत्तीसगढ़ के और 4 जिलों को इस आपके मनरेगा के अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ के और 4 जिलों को जो है आपके 1 अप्रैल 2007 को इस मनरेगा के अंतर्गत शामिल किया गया। उसके बाद नेक्स्ट 1 अप्रैल 2008 को इसका विस्तार पूरे छत्तीसगढ़ के सभी आपके जिलों में हो गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में पूर्ण रूप से इसका विस्तार कब हुआ पूछा जाए तो 1 अप्रैल 2008 को। 2006 को 11 जिलों में लागू हुआ, यानी कि 2 फरवरी 2006 को 11 जिलों में लागू हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 1 अप्रैल 2007 को 4 जिलों में इसका विस्तार हुआ, यानी कि 11, 4, 15। और उसके बाद लास्ट अंतिम रूप से जो है 1 अप्रैल 2008 को छत्तीसगढ़ के पूरे जिले में ये पूर्ण रूप से लागू हुआ। ठीक, तो ये है आपका मनरेगा। ये तो था आपका बेसिक जो आपके ट्रेडिशनल जो क्वेश्चन बनते हैं ये है। देखिए इसमें एक प्रश्न पूछा जाएगा कि 2 फरवरी 2006 को मनरेगा सबसे पहले किस स्थान पर जो है मनरेगा को प्रारंभ किया गया, तो ध्यान दीजिएगा आपका जो आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला है, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इस मनरेगा की शुरुआत की गई थी। ठीक, अब देखिए, अब आपको जो आपके आंकड़े याद रखने हैं उसको थोड़ा ध्यान समझते हुए चलिए। देखिए मनरेगा की स्थिति, हमारे छत्तीसगढ़ में मनरेगा की क्या स्थिति है। देखिए मनरेगा का उद्देश्य क्या है? इच्छुक श्रमिकों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना। क्या बात हो रही है? 100 दिन का। लेकिन इस मनरेगा के अंतर्गत देखिए, ये मनरेगा जो है ये केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इस मनरेगा के अंतर्गत केंद्र सरकार का यह कहना है कि 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराया जाए। लेकिन अगर कोई राज्य सरकार चाहे तो इस 100 दिन से अतिरिक्त दिनों का भी रोजगार उपलब्ध करा सकती है। लेकिन इस अतिरिक्त दिनों के रोजगार का जो व्यय है वो राज्य सरकार स्वयं वहन करेगा। देखिए ध्यान समझते हुए चलिए,
देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में जो मनरेगा की स्थिति क्या है उसको समझते हुए चलिएगा। प्रदाय रोजगार दिवस यानी कि हमारे छत्तीसगढ़ में मनरेगा के अंतर्गत श्रमिकों को कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा 150 दिन का, ठीक है 150 दिन का। वित्तीय वर्ष 2013-14 से यह प्रावधान किया गया कि हमारे प्रदेश के जो श्रमिक है उन्हें 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। देखिए केंद्र सरकार ने क्या कहा है, कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाए। छत्तीसगढ़ में सरकार कितनी दे रही है आपके 50 दिन का रोजगार उपलब्ध, 150 दिन का रोजगार उपलब्ध करा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा जो 100 दिन का जो रोजगार है इसमें जो आपका व्यय होगा उस व्यय का वहन करेगा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार की स्कीम है, और जो अतिरिक्त जो 50 दिन है इस 50 दिन में होने वाले व्यय को वहन करेगा आपका स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार, यही कहा गया है इसमें, ठीक है। कि मनरेगा के अंतर्गत कम से कम 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, राज्य सरकार चाहे तो अतिरिक्त दिन का भी रोजगार उपलब्ध करा सकता है, लेकिन इस अतिरिक्त दिन का रोजगार का जो व्यय होगा उसको वहन राज्य सरकार स्वयं करेगी, ठीक। देखिए और ये कब से हुआ आपका 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार कब से उपलब्ध कराया जा रहा है, वित्तीय वर्ष 2013-14 से। वर्तमान में जो है मजदूरी दर मनरेगा के अंतर्गत जो कार्य करने वाले जो आपके मजदूर है उन्हें कितना मजदूरी दर उपलब्ध कराया जाता है, देखिए एक दिन का कार्य करने के लिए मजदूरों को 190 रुपए प्रतिदिन का भुगतान किया जाता है। अगर मनरेगा के अंतर्गत एक मजदूर कार्य करता है तो उसे 190 रुपए एक दिन कार्य करने के बदले में उसे मजदूरी दी जाएगी। देखिए इस मनरेगा के अंतर्गत जो है आपके स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन किया जाएगा। स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन का मतलब थोड़ा ध्यान समझते हुए चलिएगा, क्या होता है कई बार आपके कथन वाले प्रश्न बनते हैं तो उस कथन वाले प्रश्न में अक्सर जो है लोग घूमते हैं, समझिएगा मनरेगा के अंतर्गत कहा गया है कि आपके स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन किया जाएगा। स्थायी परिसंपत्ति यानी कि परमानेंट प्रॉपर्टी बनाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि मनरेगा के अंतर्गत लोगों को पैसा बांटना है, लोगों का जो है गरीबी दूर करना है तो मजदूरों से गड्ढा खुदवा दिए और उसी गड्ढे को वापस पटवा दिए मजदूरों से, ऐसा नहीं। स्थायी परिसंपत्ति यानी कि शासकीय भवन का निर्माण कराया जाएगा, शासकीय स्कूल का निर्माण कराया जाएगा, सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा, तो ये होती है आपकी स्थायी परिसंपत्ति, ठीक है। कई बार क्या करता है स्थाई के जगह अस्थाई परिसंपत्तियों का सृजन किया जाएगा, तो वो आपके रॉन्ग स्टेटमेंट है, असत्य कथन है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। स्थाई परिसंपत्तियों का सृजन किया जाता है आपके मनरेगा के अंतर्गत, शासकीय भवन, ग्राम पंचायत भवन, आपके सड़कें, स्कूल, ये सभी के सभी बनाए जाते हैं मनरेगा के अंतर्गत, ठीक है। देखिए अब समझिएगा हर साल जो है आपका बजट, केंद्र में भी आपका बजट पारित किया जाता है और राज्य में भी जो है आपका बजट पेश और पारित किया जाता है, ठीक। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के दोनों जो है बजट में मनरेगा के लिए राशि आवंटित करती है। देखिए इस साल जो है इस साल बजट पेश किया गया आपका बजट 2020-21, इस साल जो बजट पेश किया गया है वो है आपका बजट 2020-21, इंपॉर्टेंट है ये आंकड़े को याद रखना है। इसमें आपको 150 दिवस भी याद रखना है, 190 रुपए प्रतिदिन भी याद रखना है, और ये बजट के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कितनी राशि आवंटित की है उसे भी याद रखना है, ठीक। देखिए बजट 2020-21 में केंद्र सरकार ने अपने केंद्रीय बजट में मनरेगा के लिए 61,500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। मनरेगा के अंतर्गत केंद्र सरकार ने बजट 2020-21 में केंद्र सरकार ने जो है आपके 61,500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है, जबकि राज्य सरकार ने अपने बजट में 1,603 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। यह प्रश्न भी डायरेक्टली पूछा जाता है कि बजट 2020-21 में केंद्र सरकार के द्वारा मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, 61,500 करोड़ रुपए, जबकि राज्य सरकार के द्वारा 1,603 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, ठीक। ये तो था आपका डायरेक्ट आंकड़े से पूछा जाने वाला प्रश्न। इसमें ध्यान दीजिएगा ये जो आपका राशि आवंटित की जाती है इस राशि को जो है आपके परसेंटेज में रेशियो में बांटा जाता है। जितनी भी राशि है उसका 60% जो हिस्सा है ये जाएगा मजदूरी में, यानी कि जो मजदूरी जो बांटा जाता है उसमें, ठीक, जबकि जो 40% हिस्सा जो है ये जाता है सामग्री में। सामग्री में मतलब अगर सड़क बनाना है तो सड़क बनाने के लिए आपका घमेला का जरूरत है, फावड़ा का जरूरत है, जमीन खोदने के लिए, तो जो औजार यूज होते हैं तो उस औजार के लिए सामग्री के लिए 40% हिस्सा जो है सामग्री की खरीदी में व्यय होता है, जबकि जो 60% जो हिस्सा है वो मजदूरों को मजदूरी भुगतान करने में व्यय होगा। ये आपका रेशियो है, इस रेशियो को भी याद रखिएगा, 60:40। नेक्स्ट देखिए सृजित मानव दिवस यानी कि वित्तीय वर्ष में, यानी कि अगर हम बात करें वित्तीय वर्ष 2018-19 जो कि कंप्लीट ईयर है, तो एक वित्तीय वर्ष में हमारे प्रदेश में कितने मानव दिवस सृजित हुए, यानी कि कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया और कितने दिन का कुल रोजगार उपलब्ध हुआ। देखिए समझिएगा
वित्तीय वर्ष 2018-19 में, वित्तीय वर्ष 2018-19 में सृजित रोजगार दिवस, ध्यान दीजिए, 1369, ठीक है, 1369 लाख दिवस, लाख रोजगार दिवस सृजित किए गए, यानी कि इतने दिनों का रोजगार, कुल रोजगार उपलब्ध कराया गया। इसका मतलब समझिए, देखिए आपको केवल आंकड़े याद रखना है, लेकिन ये आंकड़ा इतना बड़ा क्यों है इसे समझते हुए चलिएगा। एक दिन में मान लीजिए जो एक मजदूर है, एक मजदूर एक दिन कार्य करने आया, दूसरा मजदूर उसी दिन कार्य करने आया, तीसरा मजदूर उसी दिन कार्य करने आया, देखिए एक दिन समझ लीजिए जो तीन मजदूर जो कार्य करने के लिए आए, तो इसका मतलब ये जो मजदूर जो कार्य कर रहे हैं वो एक ही दिन कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या काउंट होगा, इसका पूरा एक दिन काउंट होगा, इसका पूरा एक दिन काउंट होगा, इसका पूरा एक दिन काउंट होगा, यानी कि ये कितना होगा, तीन रोजगार दिवस होगा, ठीक है, तीन रोजगार दिवस होगा, सभी का अलग अलग रोजगार दिवस काउंट होता है, एक ही दिन कार्य कर रहे हैं तीनों के तीनों, लेकिन सभी का जो है सेपरेट एक एक दिन जो है काउंट होता है। तो ये आपका वित्तीय वर्ष 18-19 है, इस वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1369 लाख जो आपका रोजगार दिवस है उसका सृजन किया गया, यानी कि इतने दिन का जो रोजगार उपलब्ध कराया गया। ठीक, देखिए इस वित्तीय वर्ष 2018-19 में 37.34 लाख परिवारों को जो है इसके अंतर्गत लाभान्वित हुए, यानी कि इतने परिवार को जो है इस योजना के अंतर्गत, इस मनरेगा के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराया गया। ठीक, देखिए लाभान्वित परिवार का मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं है कि मनरेगा के अंतर्गत जितने भी लोग आएंगे उन सभी को रोजगार दिया जाएगा, इसके अंतर्गत किसी एक व्यक्ति को रोजगार नहीं दिया जाता, इसके अंतर्गत एक परिवार को रोजगार दिया जाता है। एक परिवार में मान लीजिए आपके पांच सदस्य हैं, केवल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, पांच सदस्य है, तो इस पांच सदस्य का एक बनता है आपका जॉब कार्ड, ठीक है, एक जॉब कार्ड बनता है, इस जॉब कार्ड में रेगुलर आपकी एंट्री होती है, एक दिन में इस परिवार का कोई एक सदस्य ही रोजगार में जाएगा और उसकी एंट्री होगी। ठीक है, परिवार का जॉब कार्ड बनता है, मजदूर का नहीं बनता, तो उस परिवार के जॉब कार्ड को जो है वो आपकी एंट्री है लाभान्वित परिवार। वित्तीय वर्ष 2018-19 में 37.34 लाख परिवार जो है इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए। मिनिमम 100 डेज का रोजगार, देखिए 150 दिन का तो रोजगार का प्रावधान है, ये कितना है मैक्सिमम, लेकिन कम से कम 100 दिन का रोजगार कितने परिवारों को प्राप्त हुआ, तो ध्यान दीजिएगा 4.18 लाख परिवार जो है, यानी कि 4.18 लाख परिवारों को कम से कम 100 दिनों का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध हुआ है। ठीक है, बाकी जो एक्स्ट्रा जो है 150 दिन का काफी और भी लोगों को प्राप्त हुआ, लेकिन कम से कम 100 दिन का रोजगार कितने लोगों को प्राप्त हुआ, 4.18 लाख परिवारों को। ठीक, इसमें पूछा जाता है कि महिलाओं की भागीदारी कितनी रही, यानी कि मजदूरी करने के लिए जो महिलाएं आई कितनी प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी रही इस मनरेगा के अंतर्गत, यह प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा 50% महिलाओं की भागीदारी रही। ठीक, तो ये कंप्लीट ईयर से प्रश्न आता है। ठीक है, या तो आपसे सृजित रोजगार दिवस पूछेगा और महिला, ठीक है, कितने प्रतिशत की महिलाओं की भागीदारी रही ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, बाकी ये जो आंकड़े हैं ये आपको मेंस के आंसर राइटिंग में काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वित्तीय वर्ष 2019-20 ये आंकड़े जो है अधूरे हैं, जैसे मैंने बताया फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर के 31 मार्च तक रहता है, तो ये आंकड़ा जो है सितंबर तक का था। देखिए सितंबर तक की स्थिति में जो है आपका जो सृजित रोजगार दिवस है वो है आपका 685 लाख दिवस, यानी कि 685 लाख मानव रोजगार दिवस सृजित किए गए, इसके अंतर्गत लाभान्वित परिवार हुए आपके 17.88 यानी कि 17.88 लाख परिवार जो है ये लाभान्वित हुए। इसमें जो है कम से कम 100 दिन का रोजगार आने वाले जो परिवारों की संख्या है वो है 26,000 परिवार जिन्हें 100 कम से कम 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराया गया, और इसमें महिलाओं की भागीदारी रही 52%। महिलाओं की भागीदारी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, कौन सा ईयर पूछ रहा है उसके हिसाब से परसेंटेज आपको टिक करने हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे कहा जाता है आपका NRLM, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। ठीक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है ये कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2013 को। इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि हमारे प्रदेश में जो है आपके राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी कि नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन किस डेट में लागू हुआ, तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 1 अप्रैल 2013 को आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हमारे छत्तीसगढ़ में लागू हुआ। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस आपके NRLM यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को हमारे छत्तीसगढ़ में बिहान योजना के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, हमारे इस छत्तीसगढ़ में इस राष्ट्रीय ग्रामीण, देखिए जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है ये केंद्र सरकार की योजना है, जिसे हमारे छत्तीसगढ़ में अलग से नाम दिया गया है बिहान योजना। ठीक है, बिहान योजना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसके नाम को। इसका उद्देश्य क्या है, बीपीएल युवाओं को यानी कि बिलो दी पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाले जो युवा है उन्हें स्वरोजगार के अवसर का, मतलब स्वरोजगार के अवसर उन्हें उपलब्ध कराना यानी उनके अवसरों का सृजन करना। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट केवल एक ही चीज है, इसमें इंपॉर्टेंट केवल दो चीज है, कब लागू हुआ और इसका नाम क्या है। ठीक है, दोनों आए हुए प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, एक है आपका आर सेटी और एक है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, यह है क्या समझते हो। चलिए, आरसेटी रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कई बार ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देता है तो कई बार ट्रेनिंग स्कूल देता है। रूरल का मतलब ग्रामीण, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी कि आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में यानी कि स्वरोजगार, ट्रेनिंग प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट यानी कि संस्था, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले युवाओं को जो है आपके स्वरोजगार से संबंधित ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए ये स्कीम चलाया गया है। ठीक, इसका फुल फॉर्म से भी प्रश्न आ सकता है। यह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दोनों के दोनों लगभग आपस में मिलते जुलते हैं। इस योजना के अंतर्गत जो है आपके 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के बीपीएल कार्डधारी युवा जो है इस योजना के लिए पात्र होंगे, जबकि पंडित दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के बीपीएल कार्डधारी युवा का मतलब युवक और युवती दोनों, युवा जो है इस योजना के अंतर्गत पात्र होंगे। इस आपके आरसीटी योजना के अंतर्गत 10 से 45 दिन का आवासीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। बाजार मांग के आधार पर इस आरसीटी योजना के अंतर्गत जो आपके बीपीएल कार्डधारी जो युवक युवती है उन्हें 10 से 45 दिन का आवासीय रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, यानी कि उनको रहने के लिए जो जैसे आपके हॉस्टल रहते हैं हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा और उनको 10 से 45 दिन तक ट्रेनिंग दिया जाएगा बाजार मांग के आधार पर जैसे कि जैसे आपका जो टीवी रिपेयरिंग उन्हें सिखाया जाएगा, मोबाइल रिपेयरिंग सिखाया जाएगा 10 से 15 दिन की अवधि में, ताकि जल्दी से वो प्रशिक्षण लेकर के किसी न किसी जगह जा करके अपना स्वयं का कोई रोजगार ले सके। ठीक, इसमें जो है प्रशिक्षण अवधि यानी कि जो 10 से 45 दिन की प्रशिक्षण अवधि है इसमें जो है इन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग दिए जाने के साथ साथ ₹200 प्रति दिवस का इन्हें भुगतान भी किया जाएगा। ठीक है, इनसे जो है ट्रेनिंग देने के बाद इनसे मेहनताना भी लिया जाएगा और मेहनताना लेने के साथ साथ जो है इन्हें ₹200 प्रति दिवस का जो है भुगतान भी किया जाएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना इसके अंतर्गत 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के बीपीएल कार्डधारी युवाओं को शामिल किया जाएगा। परियोजना की जो अवधि है वो है आपके 3 वर्ष। इस अवधि के भीतर इस योजना के अंतर्गत जितने भी युवक युवती शामिल है उसमें से 70% युवक युवतियों को रोजगार जो है, देखिए जिले के अंदर, राज्य के भीतर या राज्य के बाहर उन्हें रोजगार में नियोजित किया जाएगा, यानी कि इस योजना के अंतर्गत जो भी युवक युवती आएंगे उन्हें प्रशिक्षण तो दिया जाएगा और कम से कम 70% जो आपके युवक युवती है उन्हें जिले में या फिर राज्य की किसी संस्था में या फिर बाहर, राज्य से बाहर कहीं ना कहीं उन्हें जॉब लगा करके दिया जाएगा, यानी कि रोजगार जो है उन्हें नियोजित करके दिया जाएगा। यह है आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जो है ये आपके इसी NRLM के अंतर्गत लागू की गई एक योजना है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, देखिए ये आपके सभी के सभी मेन सेंसर राइटिंग में काम आएंगे, अभी नहीं, अभी केवल आपको इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा, इसका डेट पूछा जाएगा, इसका अन्य नाम पूछा जाएगा। एक और योजना है जो कि सेम टू सेम आपके पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल रोजगार योजना से ही संबंधित है, उसका नाम है आपका रोशनी योजना। ठीक है, रोशनी योजना, देखिए ये जो आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो योजना है ये पूरे छत्तीसगढ़ भर में लागू है, लेकिन जो रोशनी योजना जो है ये आपके आदिवासी बहुल क्षेत्र, ठीक है, आदिवासी बहुल क्षेत्र और आपके नक्सली क्षेत्र में शामिल है, आदिवासी बहुल क्षेत्र और नक्सली क्षेत्र, बाकी सभी के सभी चीजें जो है आपके सेम टू सेम है, 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के और परियोजना अवधि जो है 3 वर्ष और 70% युवाओं को जो है जिला, राज्य और राज्य से बाहर जो है रोजगार में नियोजित करके उन्हें दिया जाएगा। सारी की सारी चीजें सेम है, बस इसमें एक चीज याद रखना है कि जो रोशनी योजना है ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र और आदिवासी बहुल क्षेत्र के लिए है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र का मतलब बस्तर संभाग के पूरे 7 जिले और 1 बलरामपुर जिला, यानी कि 8 जिले में ये रोशनी योजना यानी कि रोशनी कार्यक्रम लागू है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है आपका ग्राम सड़क योजना। ग्राम सड़क योजना एक केंद्र सरकार की योजना है और दूसरा है आपके राज्य सरकार की योजना। जो केंद्र सरकार की योजना है उसका नाम है आपका पीएम ग्राम सड़क योजना यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और राज्य सरकार की जो योजना है वो है आपका सीएम ग्राम सड़क योजना यानी कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। ध्यान समझते हुए चलिए, सबसे पहले देखिए पीएम ग्राम सड़क योजना। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ये कब लागू हुआ, डेट इंपॉर्टेंट है, डेट से प्रश्न आता है। 25 दिसंबर 2000 को जो है आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है पूरे अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण बसाहटों को 12 मासी डामरीकृत सड़कों से जोड़ना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण गांव की जो बसाहटे हैं, गांव में जो रहने वाले लोग हैं, गांव की जो आबादी है उन्हें 12 मासी डामरीकृत यानी कि डामर से बने हुए सड़कों से जोड़ना। 12 मासी का मतलब क्या होता है, ऐसे सड़क जो आपके 12 मासी चालू रहे। ऐसा नहीं कि सड़क बना दिए और नदी के ऊपर से सड़क बना दिए, एक साल जो है आपकी नदी में बाढ़ आ गया और वो सड़क ही गायब हो गया, ऐसा नहीं। ऐसे सड़क का निर्माण कराना है जो आपके जो आपका जो है 12 महीना चालू रहे। तो 12 मासी डामरीकृत सड़कों से जो है ग्रामीण बसावटों को जोड़ना यह आपके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना का जो क्राइटेरिया क्या समझिएगा, देखिए इस योजना के अंतर्गत सामान्य क्षेत्र के ग्राम जिनकी आबादी 500 से अधिक है यानी कि ऐसे गांव जिनकी आबादी 500 से अधिक है उन्हें 12 मासी सड़कों से जोड़ा जाएगा। और अगर आदिवासी बहुल क्षेत्र है तो आदिवासी बहुल क्षेत्र वाले जो गांव है जहां की आबादी 250 से अधिक है, जो 250 से अधिक लोग निवास करते हैं, तो उन्हें जो है आपके 12 मासी डामरीकृत सड़कों से जोड़ा जाएगा। यह है आपके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। एक है आपका मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि प्रारंभ किया गया 23 अप्रैल 2011 को। 23 अप्रैल 2011 को जो है आपके मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू किया गया। इसका भी उद्देश्य सेम है, ग्रामीण बसाहटों को 12 मासी डामरीकृत सड़कों से जोड़ना। जब ऑलरेडी आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू है तो ये दूसरा योजना लागू किए जाने का कारण क्या है, ध्यान समझिएगा, उसका मेन कारण है इसका क्राइटेरिया। इसमें सामान्य क्षेत्र में क्या आपका क्राइटेरिया दिया गया है कि ऐसे गांव जिनकी बसाहटें जहां की आबादी 500 से अधिक है यानी कि ऐसे गांव जहां पे 500 से अधिक लोग निवास करते हैं केवल उन्हें ही जो है आपके डामरीकृत सड़कों से जोड़ा जाएगा। यानी कि जो आपके बचे हुए गांव है जिनकी आबादी 500 से कम है उनके लिए क्या, तो उनके लिए प्रारंभ किया गया आपका मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जिसमें 250 सामान्य क्षेत्र, सामान्य हो या आदिवासी बहुल क्षेत्र हो, सामान्य क्षेत्र में जिनकी आबादी 250 से अधिक है उन्हें जो है आपके 12 मासी डामरीकृत सड़कों से जोड़ा जाएगा। इस योजना को आपका प्रारंभ किए जाने का मुख्य कारण था यही क्राइटेरिया, क्योंकि हर गांव जो है 500 से अधिक आबादी वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे थे तो उसके लिए आपका मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ किया गया। ठीक, देखिए ये जो आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसका एक बार जो है आपका विस्तार हुआ है 9 अप्रैल 2014 को। इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जो है आपके नक्सल प्रभावित 7 जिले यानी कि पूरा का पूरा आपका बस्तर संभाग वही आपका नक्सल प्रभावित जिला है, तो नक्सल प्रभावित 7 जिलों को जो है जिनकी आबादी 249 तक की जो आबादी है उन्हें भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उसका क्राइटेरिया जो है आपके नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए थोड़ा बढ़ाया गया। ऐसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र जिनकी आबादी 100 से लेकर के 249 यानी कि 249 है उन्हें जो है इस योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। तो यह है आपका प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना। डेट से प्रश्न आता है, उद्देश्य से प्रश्न आता है और इसके क्राइटेरिया से तो प्रश्न आता ही, ठीक है, तो क्राइटेरिया थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका आदर्श ग्राम योजना। अब ये आदर्श ग्राम योजना क्या है, ध्यान समझते हुए चलिए। एक है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का योजना है और एक है स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार की योजना है। केंद्र सरकार की जो योजना है इसका इसे जाना जाता है आपका सांसद आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, सांसद का मतलब जो आपके केंद्र में जो संसद है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा उसमें जो आपके सांसद पहुंचते हैं तो उन संसदों से संबंधित योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। और दूसरा है हमारे राज्य में जो विधानसभा है तो उसके जो विधायक है तो उससे जुड़ी हुई योजना है आपका विधायक आदर्श ग्राम योजना। समझिए यह है क्या, सांसद आदर्श ग्राम योजना ये प्रारंभ हुआ 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो है हमारे छत्तीसगढ़ को भी आपके लोकसभा क्षेत्रों में बांटा गया है। हर एक लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा चुनाव होता है और उस लोकसभा चुनाव के पश्चात जो है आपके उस क्षेत्र से सांसद चुन करके संसद में पहुंचते हैं, ठीक है, चुनाव जीत करके। तो जो आपके जो संसद जो है जिन क्षेत्रों से वो चुनाव जीते हैं तो अपने क्षेत्रों के कम एक गांव को गोद लेना है, एक गांव को गोद लेकर के उस गांव का विकास करना है यानी कि उसमें पेयजल आपूर्ति करना है, बिजली आपूर्ति करना है, वहां पे स्कूलों का निर्माण कराना है, सरकारी भवनों का निर्माण कराना है, यानी कि एक आइडियल विलेज, एक आदर्श ग्राम के रूप में उसे विकसित करना है। यह है आपका उद्देश्य सांसद आदर्श ग्राम योजना का। ठीक, देखिए
वर्तमान में हमारे प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या है 11 जबकि राज्यसभा सीट की संख्या है 5, तो टोटल कितने हो गए 11 और 5 16। तो इस सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत हमारे प्रदेश में जो है आपके 16 गांवों को गोद लिया जा सकता है। ठीक है, देखिए वर्तमान में जो है रेणुका सिंह जो कि आपकी लोकसभा में एक सांसद है, साथ ही साथ जो आपके मोदी कैबिनेट है यानी कि नरेंद्र मोदी जी की जो आपकी मंत्रिपरिषद है, उस मंत्रिपरिषद में इन्हें केंद्रीय अनुसूचित जाति जनजाति राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। इनका जो लोकसभा क्षेत्र है वो है आपका सरगुजा, तो इन्होंने अपने इस सरगुजा संभाग वाले क्षेत्र से 3 गांव कौन कौन से है, सोनतराई सरगुजा जिला, झूमरपारा सरगुजा जिला और तीसरा है चिराई बलरामपुर जिला, इन 3 गांव को इन्होंने सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत गोद लिया है, इनका विकास का जिम्मा उठाया है। ठीक, दूसरा है आपका विधायक आदर्श ग्राम योजना, ये योजना प्रारंभ हुआ आपका 1 अप्रैल 2015 को, ये भी आपका सेम सांसद आदर्श ग्राम योजना के तर्ज पर ही इसे जो है प्रारंभ किया गया, उद्देश्य भी इसका सेम है। हमारे प्रदेश में विधायकों की संख्या कितनी है 90, तो टोटल 90 गांवों को जो है गोद लेकर के इसका विकास कार्य किया जा सकता है। ठीक, तो ये है सांसद आदर्श ग्राम योजना और विधायक आदर्श ग्राम योजना। योजनाएं बहुत सारे हैं, कई बार फूटी किस्मत रही तो कथन आधारित प्रश्नों में जो है ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कथन आधारित प्रश्न बनते हैं, कई बार डेट से प्रश्न बनते हैं, ये डेट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत बार ये डेट आपका रिपीट हुआ है NRLM का। ठीक, इसका अन्य नाम ये भी आया हुआ है, इसके अलावा मनरेगा के जो बजट वाले जो डाटा है, मजदूरी दर, ये मजदूरी दर अप्रैल 2020 तक की स्थिति में है, यानी कि आपके इसी करंट ईयर में जो है हमारे प्रदेश में मजदूरी दर 190 रुपये प्रतिदिन उपलब्ध कराया जा रहा है। तो सारे डाटा इंपॉर्टेंट है, डाटा को समझते हुए चलिएगा, प्रश्न इससे आते हैं। तो आज के लिए इतना ही, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।